कम से कम 2 लाख का कर्ज ले लिया है। जानती हो मैं था ना स्कूल के नाम किसी लिए है अपने घर के लिए। गुड मॉर्निंग, और आज है सरस्वती पूजा। कुछ लोगों ने कल ही पूजा कर लिया, कुछ लोगों ने आज किया, और मैं नहा के पूजा कर ली हूँ। मुझे काफ़ी ठंड लग रही है इसलिए मैं शॉल स्वेटर सब पहन के बैठी हूँ, और मैंने येलो ड्रेस नहीं पहना है क्योंकि मैं पहनूंगी तो फिर मम्मू को लगेगा कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और बहुत परेशान कर देगी कि मम्मा घूमने जाना है। और बारिश भी बहुत हो रही है। मैंने पूजा कर लिया है और बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं आज छोटा मोटा ऐसे एक ब्लॉग बना रही हूँ। बाल धो के नहाया है तो पूरा बाल जो है अभी भीगा ही है, सूखा भी नहीं है उतना अच्छा से। हाँ ये मैं, और मैंने कुछ खरीदा है अरिका पाम और कोलियस, वो अभी मैंने घर में ही लगाया है। धूप निकले तो मैं धूप में दूंगी, लेकिन आज इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। तो वो सब पौधे थोड़े दिन धूप में रखूँगी, थोड़े दिन घर में रखूँगी। तो मैंने अपने घर को अभी ग्रीन लुक देने के लिए भी बहुत सारे पौधे ही लगा के रखे हैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कुछ दिन अभी बाबा जी का सूर सवार है, फिर क्या करूं, अच्छे तो लगते हैं लेकिन ठंड के मारे हालत ख़राब है। क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है, धूप नहीं लगने की वजह से मेरे बहुत सारे पौधे हैं जो मर जाते हैं। मोमू को मैंने तैयार कर दिया है, मैं दिखाऊंगी कैसी लग रही है, और मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ। और मेरे ये जो बड़े वाले जो कुशन आपने देखा, अभी इसमें कवर लगाना बाकी है, ये वाले, ये और ये मैंने खुद से घर में ही मतलब बनाया है। इसमें रैक्रोन है, ये बहुत ही हल्का सा है, सॉफ्ट वाय का वो जो डालते ना सेंथेटिक रुई, इसमें मैं मेरी दो है, मैं 3 बनाऊंगी, 1-2 और 1 यहाँ पे रखने के लिए। ये कपड़ा आप देख के समझ गए होंगे, कुछ दिन पहले मैंने ये वाला प्रिंट इस पे बिछाया था। ये एक्चुअली मेरा बेडशीट था जो पुराना हो गया था, तो मैंने टी टेबल का टेबल क्लॉथ धोया था तो फिर ऐसे ही उसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे इस पे बिछा दिया था। तो फिर मैं ऑनलाइन देख रही थी या फिर दुकान पे तो मुझे महंगे पड़ रहे थे, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, कल बैठे बैठे मैं रैक्रोन लेके आई और इसमें सिल दिया। और मुझे मतलब बहुत दिनों से मन था कि काफ़ी बड़ा बड़ा एक कुशन टाइप का बनाऊं, तो जितना मैं लेके आई थी इसमें 2 ही बनाए हैं, मैं 1 और बनाऊंगी तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद खूबसूरत सा कोई प्रिंट या कुछ भी देख के इस पर कवर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खरीदने पर इतने बड़े कवर शायद मिलेंगे, ढूंढने पे तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिल लूँगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो कल मैं बैठे बैठे यही कर रही थी, कुछ कुछ अपना दिमाग लगाने दी थी। मुझे काफ़ी चीप पड़ा, कपड़ा मेरे घर का ही है और रैक्रॉन 220 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिला, तो मैं 1 ही किलो लाई थी तो मैं ये सोच के नहीं लाई थी कि इतना बड़ा बनाऊंगी, पर बन गया तो चलो कोई बात नहीं है। और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, मेरी बेटी बोली मम्मा कितना सॉफ्ट है। इसमें और भी डाल सकते हैं पर इतना ही मैंने डाला है, और एक और इसका एक और बनाऊंगी और एक जो है वो लंबा सा जो बना लूँगी तो मैं दिखाऊंगी, पर आज नहीं बनाऊंगी, एक तो बारिश हो रही है और मेरे पास है नहीं खरीद के लाना है। तो बैठे बैठे मैं घर में यही सब कर रही थी, और जो DIY के लिए जो मैंने फ्रेम जो था तैयार किया है तो वो मेरे घर पे मत जाइएगा। ये देखिए मेरा जो फ्रेम है इस टाइप से ये तैयार हो गया है, लेकिन मैंने अभी कुछ किया नहीं है, ये हल्का हल्का भी दिख रहा है। इसके लिए मैं लेके आई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली कि मैं कुछ करूँ। इस टाइप के ये हार्ट शेप में बने हुए जो हैं कुछ इस टाइप के 3 हैं,
एक सेकेंड, इस टाइप के तीन हैं जो मैं फ्रेम पे चिपकाऊंगी, लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं अभी उस पर चिपकाई नहीं हूँ, मम्मू तो गई है ऊपर में ज्योति के पास, तो मैंने बैठ के ऐसे टीवी देख रही थी और कुछ आइडियाज लेती रहती हूँ। सामान तो बहुत सारा खरीद के लाई हूँ, बैठे बैठे के घर में कुछ ना कुछ बनाऊंगी जो मुझे आता है दिमाग में, लेकिन नहीं बनाया है। और मुझे जानते हैं सबसे खूबसूरत, मैं आज बहुत खुश हूँ, लग रहा है जो मैंने एरिका पाम लाया है उसमें जो मेरे जो दो डक टाइप के थे जो काफ़ी पहले मीला में से मैं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था 30-30 रुपीज़ में, तो मेरे हस्बैंड उसमें बोल रहे थे कि आप बच्चों वाला खिलौना लेके आइए, लेकिन मैंने जो उस पर लगा दिया है ना, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। घर सजाना तो सबको अच्छा लगता है, सभी अपने तरीके से घर सजाते ही हैं, बट मैं अपने जगह के हिसाब से उसको वहाँ पे लगा दी हूँ। और गमला जो है वो पॉट जो मेरा काफ़ी दिनों तक गार्डन में था तो एक अजीब सा मिट्टी मिट्टी सा हो गया है, उसको कभी कलर कर दूंगी। मैंने लेके आया तो समझ में नहीं आ रहा था लेके तो आगे कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया, बहुत सारा सामान भी उसकी वजह से मुझे हटाना पड़ा। तो मुझे बहुत 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 सुंदर लग रहा है और मैं हमेशा कुछ कुछ देखती रहती हूँ कैसे गार्डनिंग और क्या करना है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं अपना शौक कभी ना कभी ज़रूर पूरा करूँगी। और मेरा अरिका पाम काफ़ी पहले का एक था, 5-6 साल पहले का, जो बहुत ही ज़्यादा घना हो गया था, वो अगर रहता तो मुझे खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर मेरी जो एक्सीडेंट हुई थी इसी बीच में, हम लोगों ने केयर नहीं किया, तो मतलब कुछ मर भी गए, कुछ जिंदा भी थे तो बकरी और ये लोग खा गए। तो मैंने बताया था ना कि मेरी गार्डनिंग थी, लेकिन अभी जो सब ख़त्म हो गई है, तो मुझे भी सोच समाया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जगह नहीं है वरना मैं पूरे घर को पौधों से भर देती। खैर बहुत बात हो गई, मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बारिश हो रहा है ना? हाँ, सरस्वती पूजा के दिन कितनी बारिश हो रही है बाबू। मम्मू आज है बेटा, बारिश हो रहा है। हाँ मम्मी। हाँ बेटा। हाँ मम्मी भी, ये देखे आज सरस्वती पूजा है तो मैंने मम्मू को सजा दिया है, ठंडा है तो इनर भी पहनना जरूरी है, मम्मू ने बाल में फूल भी लगाया है, मम्मू ने पूजा भी कर लिया भगवान जी को, फूल चढ़ा के, है ना मम्मू मेरा बेटू। यहाँ पे बार बार नाखून लगा लेती है। मम्मू कैसी लग रही है मम्मू के ड्रेस पे, देखो कितना सुंदर सा बो बना हुआ है, मम्मू सुंदर लग रही है ना। और ये कल मैंने एरिका पाम का ट्री लेके आया है और यहाँ पे डक बिठाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। डक है क्या, इसके पैर तो लंबे लंबे हैं, डक नहीं है, तो मैंने आपको दिखाया ही है। और एक ये कोरियस क्या बोलते हैं इसको, ये वाला लेके आया है प्लांट। एक्चुअली ये धूप में ही रहते हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे रखा है, इसको बीच बीच में धूप देते रहना होगा।